हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स का ग्लास चेंज, बैक ग्लास चेंज। आपको मैं अब दिखा रहा हूँ, ये पीछे का मेरा बैक ग्लास पूरा टूटा पड़ा है, पूरा क्रैक है, उसे हमें चेंज करना है। ये देखो पीछे मेरा बिल्कुल क्रैक है, ये इस पर मैंने लेजर लगा ली है। उसके बाद क्या कहते हैं इसे, हम बहुत पतली बारीक सा पलटा हो या फिर कुछ एक और टूल आता है जो ज़्यादा नुकीला होना चाहिए, उससे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये देखो बहुत ही आसानी से निकलता है, ये इजीली ग्लास चेंज है, बहुत ही इजीली। इसमें ना आपका बोर्ड डेड होने का रिस्क रहता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि बोर्ड डेड होने का रिस्क होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसमें बोर्ड भी नहीं निकाला बाहर, फोल्डर भी इसमें लगाया है, बोर्ड भी इसी में लगा है। देखो बहुत ही आसान तरीके से इसका मैं आपको ग्लास चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से निकालना है, क्योंकि यहाँ वायरलेस होता है, वो आपका कट सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी दिखानी है आपको। आसानी तरीके से निकल जाता है बहुत ही, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपना वायरलेस चार्जर होता है उसके ही नीचे बैटरी होती है, वहाँ पे कोई पत्ती नहीं होती है, यदि आपकी ये पलटा है आपका यहाँ से निकला तो सीधा उसी में ही लगेगा, जाके बैटरी में ही सीधा लगेगा, तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है इस चीज़ से। इसलिए आपको एक ख़ास तौर ध्यान देना है कि वायरलेस चार्जर की जगह से बहुत ही धीमी धीमी गति से निकालना है ग्लास, जल्दबाजी नहीं करनी है आपकी, थोड़ी सी जल्दबाजी फोन को ले डूब सकती है, इसलिए आपको बहुत ही धीमे धीमे से करना है। एक किनारे का होता है वो तो आसानी से निकल ही जाता है, लेकिन थोड़ा बीच का होता है उसी में प्रॉब्लम आती है। ये किनारे का ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें ग्लू की सहायता भी ले सकते हैं, ग्लू रिमूवर होता है उसकी सहायता आप ले सकते हैं, इसमें ग्लू रिमूवर से निकल जाता है। देखो एकदम ग्लास निकला है, तो इसे एकदम नहीं खींचना है, इसे बहुत ही धीमे से हल्का हाथ से खींचना है, हल्के हाथ लेके चलना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ताकत का जोर दिखाएं इस पर, ताकत का जोर नहीं चलता, क्योंकि उससे अपना वायरलेस भी निकल सकता है। वायरलेस फोन का बहुत ख़ास तौर ध्यान रखना है। ये आपका धीमी धीमी पूरा ग्लास निकला जा रहा है, वो देखो कोने कोने पे ही रह जाता है, इसे थोड़ा आराम से निकालना होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है बॉडी पे स्क्रेच नहीं आनी चाहिए, स्क्रेच आ जाएगी तो थोड़ा भद्दा लगता है फ़ोन, इसलिए कोने पे बहुत ही धीमे से निकालें आप। ये मैंने ग्लू रिमूवर लगाया थोड़ा हल्का, ये केमिकल होता है, इस केमिकल को लगाने से क्या है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हॉट गन से इस्तेमाल करते हैं, उसे हीट करके निकालते हैं, तो उससे क्या बोर्ड में अपनी प्रॉब्लम भी आ जाती है, बोर्ड बंद भी हो सकता है उससे, क्यों आईफोन का बोर्ड बहुत ही पतला होता है, बहुत ही नाजुक होता है, और डबल बोर्ड होते हैं तो वो एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, तो उससे क्या वो डेड भी हो जाते हैं, इसलिए हमें हॉट गन की इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें SMT का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लैश लाइट होती है, उसका पत्ता भी बिल्कुल बाहर होता है, और यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल जगह खाली दे रखी है, कि यदि आपका कांच है तो वो अंदर भी जा सकता है, यहाँ जगह भी खाली दे रखी है अंदर के लिए, यहाँ पे कोई शील्ड नहीं लगाई है जिससे कि कांच अंदर ना जाए, यहाँ से कांच भी अंदर जा सकता है, तो इसलिए जितना आपका निकले उतना साफ़ करते रहें तुरंत। कैमरे की जगह ही दाना हार्ड होता है, थोड़ा यहीं पे आपको ध्यान दे के चलना है।
आराम से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आसान तरीके से आसानी से कर सकता है ग्लास चेंज, बैक ग्लास चेंज आसानी से कर सकता है। ये बीच में ये निकलती नहीं है, तो इसे मैं थोड़ी ताकत लगा रहा हूँ, यानी इतनी ताकत भी आप ना लगाएंगे जिससे कि सीधा बोर्ड में ही घुस जाए, कैमरा आपके ख़राब हो जाए। बहुत ही आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं केवल वहाँ पे घिस रहे थे थोड़े कांच को, तो घिसने से थोड़ा थोड़ा कांच निकल जाए वहाँ का, क्योंकि बीच वाला कांच होता है बहुत प्रॉब्लम देता है निकलने में। ये हमारा केमिकल है जिससे हम आप साफ करेंगे पूरा। इस केमिकल से क्या होता है, ये साफ़ हो जाता है पूरा, इसे साफ करेंगे। ये हमने साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद ये मेरा बैक ग्लास है, ये फ़ोन देखो, ये बैक ग्लास में लेके आया हूँ। ये बैक ग्लास है बिल्कुल 100% ओरिजिनल बैक ग्लास है मेरा, इसको लगाऊंगा मैं अभी, आपको दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। पहले हम गम लेंगे, पहले गम ली हमने, गम को लगाएंगे। गम को देखो हम लगा रहे हैं, हल्के से गम लगानी है जिससे कि बाहर भी ना निकले। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वायरलेस होता है, इस पर नहीं आपको लगानी है। इससे क्या होगा, जब भी कभी नेक्स्ट टाइम आपका ग्लास ब्रेक होगा तो आपका वायरलेस उससे कट जाएगा, इसलिए इस पर गम नहीं लगाई जाती है, कंपनी भी नहीं लगाती है। तो आपको ख़ास तौर ये ध्यान देना है कि इस पर गम नहीं लगानी है। आपको गम सबसे ज़्यादा लगानी कैमरे वाली जगह पे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मोटी परत होती है और वहाँ पे अच्छे से चिपक भी नहीं पाता, इसलिए आप वहाँ पे ज़्यादा गम लगाएं जिससे कि वहाँ सही सेट हो जाए। ये हमारी गम लग गई है, ये हमारे मैग्नेट है, मैग्नेट को निकल गया तो मैग्नेट लगा रहा हूँ। और क्या करना है आपको, मैग्नेट का भी बहुत ध्यान रखना है, गिलास के साथ मैग्नेट निकल जाते हैं तो आप बहुत संभाल के रखें, क्योंकि मैग्नेट का भी काम बहुत ज़रूरी है इसमें वायरलेस में, इसलिए आप मैग्नेट का भी ध्यान रखें। हमारे मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट लगा दिए मैंने, अब हम ग्लास लगाएंगे। कांच का बहुत ध्यान रखना है, कांच नहीं होना चाहिए ना आपका ग्लास, ये भी क्रैक हो सकता है, इसलिए कांच का बहुत आसान से ध्यान रखना है। ये सही से हमारा ग्लास बैठ गया है, अब इसे हम रबड़ लगाएंगे। आप रबड़ भी नहीं, टैपिंग कर सकते हैं, आप एक मशीन आती है उसी से भी पंच कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थी इसलिए मैं रबड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रबड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रबड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दाब देनी होती है, किसी से भी आप दे सकते हैं। ये हमने रबड़ से लगा रहे हैं, इसमें रबड़ की दाब देंगे, इसमें रबड़ से होगा। रबड़ से हो रहा है, देखो रबड़ मैंने लगा दी है इसमें, रबड़ हमारी कंप्लीट लग गई है। अब इससे हम फेलकोन की सहायता से साफ करेंगे किनारी, जिससे कि हमारी बाहर गम नहीं निकलनी चाहिए। साफ करेंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे, जो हमारी थोड़ी बहुत गम बाहर हुई थी वो गम हम नहीं दिखेगी। आपको दिख रहा है कितनी आसान तरीके से बहुत कम समय में मैंने इसका बैक ग्लास चेंज कर दिया है। ये देखो ऑन कर रहा हूँ मैं, ये ऑन हो गया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसका बोर्ड निकालते हैं, फोल्डर निकालते हैं, इससे आपका वाटर प्रूफ ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाटर प्रूफ आप ख़त्म क्यों करोगे, आपका फ़ोन वाटर प्रूफ है तो वाटर प्रूफ रहना चाहिए। तो आगे से हम नहीं ओपन करते हैं, इसे बैक ग्लास पीछे से ही चेंज कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा ओके चल रहा है, हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत कम समय में। आप देख रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैक ग्लास कब चेंज हुआ है, कहाँ से हुआ है। ये रबड़ निकलने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम होता है मेरे पास। आप कोरियर करना चाहें कोरियर कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मैं गफार में करोलबाग में रहता हूँ। धन्यवाद।